आज हम हिंदी विषय में वैकल्पिक हिंदी इस पुस्तक से काव्य साहित्य में तीसरा काव्य कालिदास नागार्जुन जी का यह काव्य है। इसका सबसे पहले हम परिचय सुनेंगे। छायावादोत्तर कविता के चर्चित कवि एवं उपन्यासकार नागार्जुन का जन्म सन 1911 में बिहार के दरभंगा जिले के अंतर्गत सतलखा मधुबनी ननिहाली गांव में जन्म हुआ। आपके पिता श्री गोकुल मिश्र साधारण ब्राह्मण किसान थे। भाई बहनों की मौत के बाद तथा श्री वैद्यनाथ धाम की अनुकंपा से बचे रहने के कारण आपको वैद्यनाथ नाम दिया गया, जिसे बौद्ध धर्म के प्रभाव स्वरूप बाद में नागार्जुन नाम से बदल दिया गया। बचपन से ही माता श्रीमती उमा देवी को खोकर अपने पिता की इच्छा से पहले गांव की संस्कृत पाठशालाओं में और फिर 4 वर्षों तक काशी एवं 1 वर्ष तक कलकत्ता में थी और उन्होंने वहां पे शिक्षा प्राप्त कर ली है। आपकी शिक्षा साहित्य शास्त्र में आचार्य तक रही है, परंतु संस्कृत के अतिरिक्त हिंदी, पाली, मैथिली और बंगला भाषाओं पर भी उसका अधिकार प्राप्त किया है। 22 वर्ष की आयु में आपका विवाह अपराजिता देवी के साथ हुआ, मगर अगले ही वर्ष अपने घर त्याग दिया और 7 वर्ष तक बाहर रहे। आपने बौद्ध धर्म के सिंहल जाकर दीक्षा ली थी, वहां काम चलाऊ अंग्रेजी सीखी थी। आपका संपर्क स्वामी तहनानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तथा राहुल सत्यनारायण आदि बड़ी हस्तियों से हुआ। आप वामपंथी बन गए और कितने ही आंदोलनों के नेतृत्व के कारण कई बार जेल गए। कुर्तियों से लड़ना और वंचितों को अधिकार दिलाना अपने जीवन का एक उद्देश्य रहा है। आप गृहस्थ होकर भी लंका, तिब्बत, हिमालय पर्वत तथा अन्य भारतीय प्रांतों की ओर इतना बाहर रहे हैं कि परिचित लोग आपको बाबा कहकर आज भी सन्यासी आदि मानते हैं। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में जेल जाना, सत्ता एवं व्यवस्था के विरोध में लिखना, किसी भी नेता अथवा पार्टी से पूर्णतः संतुष्ट न होना, व्यंग के तीर छोड़ना, जेबों में कविताएं भरी कर यात्राएं करना और हर हालत में फक्कड़ रहना आपके पहचान के कुछ पहलू बताए गए। इस तरह से कवि नागार्जुन का यहाँ पे परिचय बताया है कि वो छात्र जीवन से ही अपनी अभिरुचि कविता लिखने के प्रति निरंतर रही है। शुरू में आप संस्कृत तथा मैथिली में लिखित रहे और लोक साहित्य में यात्री नाम से जाने गए। आज अब हिंदी साहित्य की बहुमुखी प्रतिभा के रूप में प्रतिष्ठित है और काव्य के अतिरिक्त उपन्यासों से निबंध, अनुवादों तथा बाल साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। अंततः आपकी बहुत ही रचनाएं अप्रकाशित, अनुपलब्ध अथवा नई पुरानी विभिन्न पत्रिकाओं में दबी पड़ी है। प्राकृतिक काव्य कृतियाँ, युग धारा प्यासी पथराई, आंखें सतरंगे पंखों वाली, भस्मांकुर तालाब की मछलियां, खून और शोले प्रेत का बयान, चना जोर गरम तथा तुमने कहा था उपन्यास के रूप में इतनी प्रसिद्ध का अधिकार है कि इस तरिया, उग्र तारा, दुख मोचन, कुंभी पाक, नई पौध, बलच मना, रतिनाथ की चाची, बाबा बटेल स्नाथ, जमनिया का बाबा, तरुण के बेटे, हरिक जयंती। अनुवाद और संपन्नता के संपादन में इन्हें विशेष नाम मिले हैं। मेघदूत गीत गोविंद तथा विश्वव्यापी के गीत इनकी अनुदित कृतियां है। वस्तुतः नागार्जुन हिंदी के व्यंग सिद्ध कवि हैं तथा प्रतिबद्धता इनके लिखन की एक पहचान है। प्रश्न पहला बताया है,
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक लिखिए। उसमें से पहला प्रश्न बताया है, कालिदास से कविता में कवि कालिदास से क्या प्रश्न करते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि नागार्जुन महाकवि कालिदास से कुछ भावनात्मक प्रश्न करते हुए दिखाई देते हैं। कभी कभी रचनाकार का दुख उसके पात्रों के माध्यम से व्यक्त होता है। कालिदास ने रघुवंश में अज का शोक, कुंभार संभव में रति का विलाप तथा मेघदूत में यक्ष का विरह वर्णन बड़ी ही सजीवता के अंकित किया गया है। अंततः कवि कालिदास से प्रश्न करते हैं कि कहीं अज, रति और यक्ष की वेदना तुम्हारी अपनी तो नहीं हो। कवि नागार्जुन कालिदास से कहते हैं, रघुवंश में इंदुमती के मृत शोक से अज रोया था या तुम रोए थे। अर्थात अज का वह विलाप काल्पनिक था या तुम्हारी सच्चाई उसके निहित थी। शिव जी की तपस्या की बाधा डालने के फलस्वरूप शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर डाला था। इससे कामदेव की पत्नी रति ने बहुत विलाप किया था। कवि कालिदास से पूछते हुए कहती है कि कहीं रति का क्रंदन सुनकर तुमने आंसुओं से अपने द्रुव को तो नहीं धोए थे। वर्षा ऋतुओं में आषाढ़ महीने के पहले ही दिन गगन में काली घटाएं देखकर विदुर यक्ष का मन जब उचट गया था, तब खड़े खड़े हाथ जोड़कर बादल को दूध बनाकर उसने अपनी प्रिया को संदेश भेजा था। तब मेघों के साथ बनकर उसके साथ उड़ने वाला कालिदास से कवि नागार्जुन जी पूछते हैं कि पर पीड़ा से चूर चूर होकर थक कर अमल धवल गिरी के शिखरों पर तुम कब तक सोए थे। वही वहाँ अपनी प्रिया के विरह में यक्ष रोया था या तुम रोए। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित अवतरणों की संदर्भ व्याख्या कीजिए। पहला है, शिवजी की तीसरी आँख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सुखी समीधा सम कामदेव जब भस्म हो गया, रति का क्रंदन सुख सुन आंसू के तुमने भी तो दुख धोए थे। संदर्भ में प्रस्तुत पंक्तियाँ श्री वैद्यनाथ मिश्र अर्थात नागार्जुन की कविता कालिदास से उद्धृत की गई है। प्रस्तुत कविता में कवि ने कालिदास से उनके महाकाव्य रघुवंश, कुमार संभव तथा मेघदूत में चित्रित विरह के करुणा प्रसंगों के विषय में प्रश्न किए हैं कि उनके चरित्र वेदना संबंधित पात्रों की थी या कहीं कवि कालिदास की। व्याख्या में आप बता सकते हैं कि कवि नागार्जुन कहते हैं, कुमार संभव महाकाव्य में शिव जी की तपस्या में बाधा डालने के फलस्वरूप शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर डाला था। इससे कामदेव पत्नी रति ने बहुत विलाप किया था। कवि कालिदास से पूछते हैं कि कहीं रति का क्रंदन सुनकर तुमने आंसुओं से अपने द्रुव तो नहीं धोए थे। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि रति के उस करुण विलाप में इतनी जीवंतता है कि केवल प्रतिभा से यह वर्णन करना असंभव है। इसके पीछे अनुभव या भोगे हुए यथार्थ का होना नितांत संभव है। कहीं रति के बहाने कवि ने अपनी वेदना को तो वाणी नहीं देती है, इस तरह उसकी व्याख्या उन्होंने बताई। दूसरा संदर्भ है, देखो गगन में श्याम घटा घटा घन घटा, विदुर यक्ष का मन जब उचटा, खड़े खड़े जब हाथ जोड़कर चित्रकूट के सुलभ शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था जिसके ही द्वार संदेश। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियों में श्री वैद्यनाथ मिश्र अर्थात नागार्जुन की कविता कालिदास से ही उद्धृत की गई है। प्रस्तुत कविता में कवि ने कालिदास से उसके महाकाव्य रघुवंश, कुमार संभव तथा मेघदूत में
चित्रित विरह के करुण प्रसंग के विषय में प्रश्न किए हैं कि उनमें चित्रित वेदना संबंधित पात्रों को पात्रों की थी या कवि कालिदास की। व्याख्या। कवि नागार्जुन कहते हैं, वर्षा ऋतु के आषाढ़ महीने के पहले ही दिन गगन में काली घटाएं देखकर विदुर यक्ष का मन जब उचट गया था, तब खड़े खड़े हाथ जोड़कर बादल को दूत बनाकर उसने अपनी प्रिया को संदेश भेजा था। तब मेघों के साथ बनकर उसके साथ उड़ने वाली कालिदास से कवि नागार्जुन पूछते हैं कि पर पीड़ा से चूर चूर होकर थक कर असम धवन गिरी के शिखरों पर तुम कब तक सोए हो। वहां अपने प्रिया के विरह में यक्ष रोया था या तुम रोए थे। यह कवि कहते हैं कि यक्ष के उस प्रेम में इतना उत्कंठा है कि केवल कल्पना से वह वर्णन करना असंभव है। इसके पीछे अनुभव या भोग होना यथार्थ का होना नितांत संभव है। कई यक्ष के बहाने कवि ने अपनी वेदना को तो वाणी नहीं दे दी है। इसका तीसरा संदर्भ बताया गया है कि कालिदास सच सच बताना इंदुमती के मृत शोक से अज रोया था या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियों में श्री वैद्यनाथ मिश्र अर्थात नागार्जुन जी की कविता कालिदास से उद्धृत किया गया है। व्याख्या। नागार्जुन वामपथी विचार धारणा से प्रेरित है। वर्ग संघर्ष और द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक दृष्टि की भली भांति परिचित है। उपेक्षित दलित शोषित जन समुदाय के पक्ष भर में पूंजीवादी व्यवस्था के घोर विरोधी में और क्रांतिकारी शक्तियों के साथ विकारोन्मुख चेतना के समर्थक है। दरअसल नागार्जुन का काव्य भोगा हुआ यथार्थ है, उनमें अनुमति या की प्रमाणिकता बताई है। नागार्जुन की रचनात्मकता के अनेक घटक हैं, इनमें एक महत्वपूर्ण घटक है वस्तु और मनस का एकीभूत संस्कार में वेदना और तीखा अनुभूतियों का संस्पर्श रहता है। इसी संदर्भ में उसकी कालिदास कविता है जिसमें वस्तु घटना और मनस का एकीभूत संस्कार प्राप्त होता है, जहाँ पर तादाम्य का एक ऐसा सार्थक रूप मिलता है जो कवि के मनस के इस प्रकार घुल मिल गया है कि अद्वैत्व भाव का वहाँ पर साक्षात्कार होने लगता है। उपयुक्त अवतरण में कवि अज की वेदना और अपनी वेदना की एकीकृत कर देते हैं। मनोवैज्ञानिक स्तर पर वस्तु या घटना या चरित्र का जब तक कवि मानस का तादाम्य नहीं करते हैं, प्रस्थापित नहीं करते हैं, तब तक सही अर्थ में रचना का जन्म नहीं होता। इस तरह से इस संदर्भ की व्याख्या उन्होंने इस तरह से बताई है। ये भी कविता का काव्य की स्वाध्याय तिथि यहाँ पे समाप्त होती है। इसमें तुमको सब विस्तार पूर्वक एक प्रश्न दिया है और सर संदर्भ व्याख्या में तीन प्रश्न दिए हैं। ये तीनों प्रश्न और एक विस्तृत प्रश्न आपको इसका अध्ययन अच्छे से करना है। टेक्स्ट बुक में भी ये कविता आपको पढ़नी है और जो भी मैंने अभी रिकॉर्डिंग से आपको सुनाया है ये प्रश्न उत्तर को आपको पढ़ना है, समझना है और जो भी समझ में आया है, जो भी जानकारी आपको प्राप्त हुई है, आपके शब्दों में आपकी हिंदी की कापी में लिखना है। धन्यवाद।